कायम जो तेरे कल्ब से इश्के रसूल है, तेरे तमाम उम्र की मेहनत वसूल है, आका जो मिल गए हैं तो जन्नत की क्या तलब, जन्नत मेरे रसूल के कदमों की धूल है। नमस्कार, आप मेरे साथ हैं अंधेशक न्यूज़ पर और आज मैं ऐसी शख्सियत जिसे आप सभी जानते हैं, क्रांतिकारी भाई अंधेशक संघ से हमारे विक्रम सिंह जी, और आज ये आला हजरत की सरजमी को हम चूमते हुए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, बरेली मंडल से एकता के सूत्र में बंधने की समस्त अंधेशक भाइयों को। आइए हम रूबरू कराते हैं भाई अंधेशक संघ से, विक्रम सिंह जी से। क्या सर, आप योजना लेकर निकले हैं हमारे इस मंडल की तो, और अन्य प्रदेश मतलब यूपी के सभी जिलों में जा रहे हैं, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बरेली मंडल के लिए और क्या बात रखना चाहेंगे सरकार से? पूरे प्रदेश के 27,000 अनुदेशकों को एक मंच पर लाने के लिए पिछले 1 जनवरी 2023 से हमने लगभग प्रदेश के हर जनपदों के जो अनुदेशक के जिलाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करने का कार्य किया, और उसी की कड़ी में अभी 1 जनवरी को हम लोग जौनपुर गए थे, और अभी बात हुई जब बरेली मंडल के जिला में, चाहे वो बरेली के जिलाध्यक्ष भानु जी हो, बदायूं के जिलाध्यक्ष प्रतीक दुबे जी हो, शाहजहाँपुर के रवि वर्मा जी हो, पीलीभीत में भी जाना है, तो बरेली मंडल चूँकि एक क्रांतिकारी धरती रही है, क्रांतिकारियों का शहर रहा है, तो हमने यहाँ से एक संदेश देने का कार्य किया है पूरे उत्तर प्रदेश के उन समस्त 27,000 अनुदेशकों को कि आप एकता के सूत्र में बंधो, और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, और एकता के बल पे हम उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन प्रशासन से अपनी जो भी मांग है, और हमारा अंतिम जो मांग है कि अनुदेशक 27,000 अनुदेशक अपने ही पद पे उसी विद्यालय में नियमित होना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, और जब तक इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से न बैठेंगे न सरकार को बैठने देंगे, और इसीलिए एकता के सूत्र में बांधने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमारा भ्रमण प्रारंभ है, और उसी करी में आज बरेली मंडल में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने अभी स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से बताया था कि आप अभी माननीय विजय किरण आनंद जी और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपसे आपके आपके पिछले 3 जनवरी को हमने महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मिला, और फिर हमने दोपहर में शाम के समय माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से मिला, और दोनों लोगों ने एक ही बात कही। हमारा पहली जो बात हुई ट्रांसफर के मुद्दे पे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों की फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई है, प्रस्ताव बन के गया है, जनपदीय अंतर जनपदीय दोनों की फाइल, और ये यही बात बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा। फिर हमारी बात 17,000 जो कोर्ट केस था उस पर हुआ, कोर्ट केस के बारे में कहा कि 2 बार मीटिंग हो चुकी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग का जो कोर्ट केस का जो आदेश है ये पूरा हो जाए और अनुदेशकों का जो 17,000 रुपया है ये मिलना प्रारंभ हो जाए। ओके, ठीक है, अभी हम बात करते हैं, कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है बरेली में, मिलते हैं हम लोग मंच पर, धन्यवाद। बरेली बहुत अच्छा लगा, भानु जी का बहुत दिन से प्रयास चल रहा था कि आप बरेली जनपद में आए, तो शायद हमें लग रहा है वो अप्रैल का महीना था, कई बार तो ये कहे कि मैं गोरखपुर ही आ रहा हूँ, कई बार कहे मैं लखनऊ ही आ जा रहा हूँ, एक बार मैं जून के महीने में दिल्ली गया था, हमें याद है 21-22 जून का वो दिन था, कहा कि मैं दिल्ली ही आ जा रहा हूँ, मैंने इन्हें बार बार मना किया कि आप मत आइए मैं ही आऊँगा, और आज वो शुभ घड़ी आ गई कि बरेली की सरजमी पर मुझे आने का अवसर मिला, और सुबह जब 5 बजे ट्रेन बरेली जंक्शन पे पहुंची तो पहले से मुझे वहाँ पे भानु जी और पवन सागर जी मिले, तो लगा कि इस ठंडी के दिनों में भी अनुदेशकों के अंदर वो उबाल अभी बचा हुआ है। तभी 5 बजे कोई व्यक्ति गर्म बिछावन छोड़कर रेलवे के प्लेटफार्म पर आकर धक्का खा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इस कपकपाती ठंड में भी इतनी की संख्या में आप लोग आए हैं। अभी 1 जनवरी से मेरा, जैसा कि आप जानते होंगे, पूरे प्रदेश के
अनुदेशकों को एक मंच पर लाने के लिए हमने 2023 1 जनवरी से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि पूरे प्रदेश के जो 25,682 अनुदेशक बचे हैं इनको किस प्रकार से एक मंच पर लाया जाए, और इसी का प्रयास मैंने 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया। और 1 जनवरी 2023 के दिन ही हमने जौनपुर जनपद में पहली बैठक रखी, जहां दुनिया नई साल मना रही थी। हम लोग जौनपुर के धरती, जो कि गोरखपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था, उस जौनपुर की धरती पर जाकर हमने अनुदेशक एकता का संदेश दिया। और उसी दिन से मैं निकल पड़ा कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में किस प्रकार से जो हमारे अनुदेशक भाई बहन बिखरे हुए हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे उनको मालूम होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं थोड़ा पीछे चले, शाम का समय था, बाबर अपने बैठा हुआ था और सामने इब्राहिम लोदी की सेना, और जब बाबर देखा अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि ये सामने जो इब्राहिम लोदी की सेना है यहां अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं। अपने सेनापति को बुलाया बाबर ने और कहा ये सामने देखो वहां क्या आग लग गई है क्या, इब्राहिम लोदी की सेना में अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं। सेनापति वहां गया और वहां से वापस आया और आकर कहा जहां पना आपके आदेशानुसार भाई इब्राहिम लोदी की सेना जहां ठहरी है वहां गया, तो वहां मैं देखा कि अलग अलग जाति के लोग अपना अलग अलग भोजन बना रहे हैं। बाबर ठहाका मारकर हंसने लगा और कहा जाकर अपने सेना में कह दो कि पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीत गया। सेनापति को आश्चर्य हुआ किस भोजन बनाने से जीत का क्या मतलब। वो कहा जहां पना मैं समझ नहीं पाया, ये भोजन बनाने से पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीत गया ये मुझे समझ में नहीं आया, कृपया करके मुझे समझाने का कार्य करे। कहा रे मूर्ख तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि ये इब्राहिम लोदी की सेना हमसे लड़ाई लड़ने आई है और ये जब बैठ के अपना भोजन एक साथ नहीं बना सकते, ये जाति पाति में बंटकर अपना भोजन अलग अलग चूल्हे पे बना रहे हैं, तो जो व्यक्ति जो सेना अपना भोजन एक साथ नहीं बना सकता वो बाबर की सेना से क्या लड़ाई लड़ेगी। और आपको याद होगा पानीपत का वो युद्ध, जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त हुआ। तो मैं वो संदेश देने आया हूं पश्चिम की धरती से कि हे बरेली वासियों, हे पश्चिम के लोगों, अब तो जगो। ये जो अलग अलग चूल्हे जलाकर हम लोग भोजन पकाने का कार्य कर रहे इब्राहिम लोदी की तरह, तो सत्ता पे बैठे हुए उनका स्वागत सबको बैच लगा के उनका सम्मान करें। आप लोग हमारी ताकत हो, ताकत बनकर खड़े रहते हैं। मैं बहुत शब्द बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है किसी दिल की धड़कन तेज है मेरी भी इस टाइम, हार्ट बीट आप चेक कर सकते हैं, बहुत स्पीड ऊपर जा रही है। अभी हाल में ही 11 ब्लॉक के हमारे तेज तर्रार रणीर जी हमारे बीच में नहीं है, आपके शायद संज्ञान में होगा, हम मीटिंग कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं भूले जो हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं से हमारे साथ हैं। वहीं हमारे उससे पहले पंकज सानी जी बित्री चैनपुर से,
उनका भी कारणवश हमारे बीच में नहीं है। और साथ ही अमित गंगवार जी, वो भी भित्री से ही हैं, मैं भी भित्री से ही हूँ। तो और अपने जनपद के और भी मेरे पास केस सुनने में आए थे, और उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे केस सुनने में आए थे। कोहरा इतना है कि ठंड शुरू नहीं हुई थी, एक्सीडेंट शुरू हो गए थे। आपने शायद व्हाट्सएप गुरुजी को सुना ही होगा, उसमें आते रहते हैं। तो उनके लिए हम एक मिनट का मौन धारण करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया आगे करेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक मिनट का मौन धारण है।